अमेरिका की मेगा स्टार टेलर स्विफ्ट का वियना टूर रद्द हो गया है। उनके 3 कॉन्सर्ट्स भी कैंसिल हुए हैं जो इस महीने होने वाले थे। आयोजकों ने यह फैसला उनके कॉन्सर्ट में हमले की आशंका को देखते हुए लिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्विफ्ट के इवेंट में हमले की कथित साजिश बनाने के लिए उन्होंने एक 19 साल के IS समर्थक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को युवक के पास जो जानकारी मिली है उसमें उसका ध्यान स्विफ्ट के 3 आगामी शो पर था। वियना में स्विफ्ट का शो कराने वाला बाराकुडा म्यूजिक ने इंस्टाग्राम पर कहा, अर्नेस्ट हैपल स्टेडियम में आतंकवादी हमले के प्लान के बारे में सरकारी अधिकारियों से पुष्टि के बाद हम टेलर स्विफ्ट के 3 निर्धारित शो रद्द कर रहे हैं। सभी की सुरक्षा के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आयोजकों ने यह भी कहा कि सभी टिकट लेने वालों को रिफंड मिल जाएगा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होने वाले हर शो में लगभग 65,000 दर्शकों के आने की उम्मीद थी। और ऑस्ट्रिया के सीनियर सिक्योरिटी चीफ फ्रांज रूफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि जिस नौजवान को हिरासत में लिया गया है उसने हाल ही के हफ्तों में दाएश यानी कि IS के प्रति अपना झुकाव दिखाया है। नौजवान को बुधवार को राजधानी के पास से हिरासत में लिया गया और आगे की जांच अभी जारी है। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि संदिग्ध के घर से केमिकल सब्सटेंस भी मिले हैं। हाल ही में ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक टेलर स्विफ्ट थीम डांस पार्टी में ही एक शख्स ने 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और जिसके बाद से ब्रिटेन में दंगे भड़के हुए हैं। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक 17 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद टेलर स्विफ्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पूरी घटना पर दुख जताया था। टेलर स्विफ्ट गाजा वॉर पर चुप्पी को लेकर भी आलोचनाओं का शिकार हुई है। टेलर स्विफ्ट ने गाजा संघर्ष पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है और गाजा पर बोलने को लेकर उनके फैंस ने एक्स पर ट्रेंड चलाकर भी स्विफ्ट पर दबाव बनाया है। अक्सर सेलिब्रिटी जैसे जटिल राजनीतिक मामलों पर चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन टेलर स्विफ्ट अमेरिका में हुए गाजा के एक फंडरेजर प्रोग्राम में शामिल हुई थी, जिसके बाद इसराइल समर्थकों के विरोध का भी उनको सामना करना पड़ा था। टेलर स्विफ्ट के अप्रैल में आई एल्बम द टॉर्चर पॉइंट पर कई लोगों ने सवाल उठाया था। उनके इस एल्बम की आलोचना करने वालों का कहना था कि टेलर ने टॉर्चर पर पूरी एल्बम रिलीज की, लेकिन उसमें कहीं भी गाजा में हो रहे टॉर्चर का जिक्र नहीं किया। टेलर स्विफ्ट के फैन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस वक्त उनके इंस्टाग्राम पर करीब 283 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ऐसे में उनका गाजा पर बोलना पूरी दुनिया में असर डाल सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।